अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर रहने से आपके चेहरे पर सन स्पॉट्स हो जाते हैं या आपको ब्राउन स्पॉट्स की सूरत में ये नज़र आने शुरू हो जाते हैं या आपकी स्किन पर डार्क पैचेस बन जाते हैं? अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस जाती हैं तो ये रेमेडीज़ आपको सन स्पॉट से बचा सकती हैं या आपके चेहरे पे अगर सन स्पॉट्स मौजूद हैं तो ये उनको ख़त्म कर देंगी। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट रेमेडी की तरफ। रेमेडी नंबर वन है कि आपने लेमन और हनी मास्क बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए है 1 टीस्पून लेमन जूस, जिसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून हनी। ये मास्क आपकी स्किन को ना सिर्फ हाइड्रेट करेगा, ये आपके सन स्पॉट्स को भी रिड्यूस करेगा और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटर करेगा। नेक्स्ट रेमेडी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पे लगाने से आप अपने डार्क स्पॉट्स को या सन स्पॉट्स को गायब कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके डार्क स्पॉट्स को गायब करता है बल्कि ये आपके एजिंग की प्रोसेस को भी स्लो करता है। ये आपकी रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी कम करता है, साथ ही साथ ये आपकी एक्नी को भी कम करता है। तो ना सिर्फ ये आपके पैचेस को या ब्राउन स्पॉट्स को कम करेगा, ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और साथ ही आपकी एक्नी को भी दूर कर देगा। नेक्स्ट रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का आपने इस तरह से टोनर बनाना है कि एक हिस्से आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है और 4 हिस्से आपने पानी के लेने हैं। इस टोनर को आपने अपने फेस पर दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये ना सिर्फ आपके फेस के पीएच को बैलेंस करेगा, ये आपके चेहरे पे होने वाले स्पॉट्स को भी कम करेगा। नेक्स्ट रेमेडी है योगर्ट मास्क। चेहरे पे योगर्ट लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये ना सिर्फ आपके रिंकल्स को रिड्यूस करता है बल्कि ये आपके पोर्स को भी श्रिंक करता है, आपकी स्किन को भी ब्राइट करता है और अगर आपके चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन है तो ये इसको भी दूर करता है। तो इनमें से जो रेमेडी आपके लिए कन्वीनियंट है आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो देखिएगा कि एक ही महीने में आपके सन स्पॉट्स गायब हो जाएंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपने कौन सी रेमेडी इस्तेमाल की जिससे आपके चेहरे पे फ़र्क पड़ा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।